वही सर, चारों सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छा ही कर रहे होंगे ब्लॉगिंग लाइफ में। आज यार बात करेंगे वही यार, एक फ्री टूल्स, कीवर्ड सर्चिंग करने वाला एक फ्री टूल्स जिसका नाम है कीवर्ड इंटेंट डॉट आई ओ। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये डोमेन नेम है कीवर्ड इंटेंट डॉट आई ओ। इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे कितना एक्यूरेसी है, सही है नहीं है, यूज करने लायक है भी या नहीं है। क्योंकि कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था, हाल में एक स्टूडेंट है जो मुझे मैसेज किया, बोला कि सर आप इसको वीडियो बनाओ कि ये कितना एक्यूरेट है, इस पर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब ये काम लायक टूल्स है भी कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर, आप भी एक वीडियो बना डालो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट यार, ये मैं एक वीडियो देख रहा था, ये रिपुन का वीडियो है, टेक्निकल रिपुन, अभी नाम चेंज हो गया बंदे का, सिर्फ रिपुन एन है। नॉर्मली मैं किसी और ब्लॉगर के बारे में बात नहीं करता हूँ या उनका कोई वीडियो उनके ऊपर बात नहीं करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में बात करना पड़ रहा है मजबूरी में। क्योंकि ये बंदा जो है वीडियो बनाया है इस टूल्स के ऊपर और बिना रिसर्च किए बना दिया है इस टूल्स के ऊपर, या फिर ऐसे ही बस व्यू पाने के लिए वीडियो बना दिया है एक। ठीक है, टाइटल क्या है वीडियो का? द बेस्ट कीवर्ड सर्चिंग टूल्स ऑफ 2022, बेटर देन ए हर्प, ऊबर सजेस्ट, बेटर देन ए हर्प। ए हर्प जानते हो यार, इस काफ़ी एक्सपेंसिव टूल्स है, हम लोग ग्रुप बाय खरीदते हैं तब भी 600-700 महीने का पड़ जाता है सही टूल्स लेने में, सही जगह से आप खरीद रहे हो। तो अब ये बंदा बता रहा है कि ये जो टूल्स है ए हर्प से भी ज़्यादा अच्छा है, ऊबर सजेस्ट से भी अच्छा है ज़्यादा। खैर वो सर्च उतना एक्यूरेट है नहीं, और वो भी थोड़ा बहुत, तभी तो यार वो भी पेड़ जैसा ही हो गया है, फ्री रहा नहीं। लेकिन ये है तो यार शुरू से पेड़ था और हमेशा पेड़ ही रहेगा। ठीक है, हालांकि जब प्रो बन जाते हो ब्लॉगिंग फील्ड में तो आपको टूल्स की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक, ये एक रियलिटी है। जैसे कि मैं अब टूल्स यूज नहीं करता हूँ कोई, मतलब पेड टूल्स, फ्री वाला से सब काम हो जाता है, खासकर गूगल से सब काम हो जाता है। ठीक है, फिर भी कभी कभी लोग यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर यूज़ करते हैं प्रो बनने के बाद भी, मतलब उस फील्ड में ज़्यादा टाइम से रहने के बाद भी लोग, बहुत सारे लोग हैं टूल्स यूज़ करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो यूज़ करना बंद कर देते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि जरूरत नहीं पड़ता है यूज़ करने का। ठीक है, सो रिपुन का ये वीडियो था कि बेस्ट टूल्स है 2022 का, एयर से भी अच्छा है, ऊबर से भी ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कितना ये सही है नहीं है। अब बंदा यही बोल रहा है कि ये जो है 99% एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है। ये वीडियो देख देखो तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। चलो ठीक है, तो आते हैं टूल्स के ऊपर, कीवर्ड इंटेंट डॉट ओ आई। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा लेआउट है, यहाँ पर कीवर्ड टाइप करना है, यहाँ पर कंटेंट सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है, आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो हम लोग एक कीवर्ड पकड़ते हैं। कीवर्ड क्या पकड़ते हैं? तो मेरे पास एक डोमेन नेम है, सर्च कंसोल में दिखा देना चाहूँगा, इसका नाम है कन्वर्स दी लेतरास। ये एक स्पेनिश वेबसाइट है, फैंसी टेस्ट कन्वर्टर वेबसाइट ही है। ठीक है, स्पेनिश वेबसाइट है, तो इसका हम लोग एक कीवर्ड सर्च करते हैं। तो जैसे जानते हो कि साइट मेरा रैंक कर रहा है, और कीवर्ड पकड़ते हैं कन्वर्स दी लेतरास, और ये 5 पॉइंट पोजिशन पर रैंक कर रहा है, मतलब यहाँ जो इम्प्रेशन मिल रहा है एकदम ओरिजिनल इम्प्रेशन मिल रहा है। ठीक है, कोई फेक इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, या साइट पीछे नहीं है कि इम्प्रेशन में गंडोगल हो, फर्स्ट पेज में आ रहा है साइट और अच्छा पोजिशन पे है, तो जो इम्प्रेशन है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब ये इम्प्रेशन जो है काफ़ी एक्यूरेट इम्प्रेशन है, क्योंकि फर्स्ट पेज में साइट रैंक कर रहा है। तो इम्प्रेशन मुझे दिया है 30 दिन में जो है, 28 दिन में जो है, ये यहाँ पर जो है 417,107, ठीक, जो कि गूगल का है। अब हम लोग यहाँ टाइप करते हैं इसको पूरा वर्ल्ड का, और मैं सबमिट करता हूँ, देखता हूँ ये कितना दिखा रहा है। तो ये लोडिंग हो रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है ये 82,300। ठीक, कितना अंतर है? 41,000 यहाँ पर है और यहाँ पर 42,000 है, मतलब 50% का अंतर है। ठीक है, आधा का अंतर है। ठीक है, आधा का अंतर है। तो सर्च वॉल्यूम में ये टूल्स बेकार है, सर्च वॉल्यूम जो है ये टूल्स सही नहीं दिखा रहा है, गड़बड़ दिखा रहा है, बेकार दिखा रहा है। तो सर्च वॉल्यूम के मामले में आप इसको एक्यूरेट मान ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरा आता है इसका जो है कीवर्ड डिफिकल्टी। तो कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा रहा है 78। आप ध्यान दोगे, जब जब मैं कीवर्ड टाइप करता हूँ तो यहाँ कीवर्ड डिफिकल्टी चेंज हो जा रहा है, जब जब मैं कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ तब तब ये कीवर्ड डिफिकल्टी चेंज हो जा रहा है, जब जब चेंज करूँगा। तो 48 था, अभी देखो 80 हो गया, फिर देखो 63 हो गया, दिखाई दे रहा है सेम कीवर्ड है और हर टाइम ये चेंज हो रहा है, 67 हो जा रहा है। तो कीवर्ड डिफिकल्टी के मामले में भी ये रॉन्ग दिखा रहा है, एक्यूरेट नहीं दिखा रहा है, मतलब ये ऐसे ही रैंडमली बस ऐसे ही नंबर चेंज हो रहा है कुछ नहीं। ठीक है, पेड डिफिकल्टी, पेड डिफिकल्टी यार एक्यूरेट दिखा सकता है, क्योंकि पेड डिफिकल्टी यार फ्री है निकालना, गूगल के API के थ्रू आप फिर डिफिकल्टी कितना है, लो है, ईजी है, आप निकाल सकते हो। CPC भी आप निकाल सकते हो किसी कीवर्ड के ऊपर, तो वो भी कोई बड़ा बात नहीं है, वो भी API से मिल जाता है। ठीक है, हालांकि सर्च वॉल्यूम में मिल जाता है, लेकिन पता नहीं बंदा जो है जो भी जो टूल्स मेकर है वो सर्च वॉल्यूम क्यों नहीं सही से निकाल पा रहा है। ठीक, तो ओवरऑल जो ये कीवर्ड है टूल्स है इसका यार जो एक्यूरेसी है गड़बड़ है, सही नहीं है। ठीक, हम लोग एक और कीवर्ड ट्राई मार लेते हैं, इसका नाम है
कन्वर्थिदोर द ली लेतरास, ये थोड़ा सा अलग कीवर्ड है। इसका सर्च वॉल्यूम है, ये भी 5 पोजिशन पर रैंक कर रहा है, 1,37,37,000। और इसका भी हम लोग देख लेते हैं, देखो देखो फिर कीवर्ड डिफिकल्टी 70 हो गई। सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है यहाँ पर 1,37,000, और दिखाता है ये कितना दिखा रहा है, तो ये यार उतना ही दिखा रहा है, 82,300 दिखा रहा है, 82,300 दिखा रहा है, मतलब गंडोगोल सही नहीं है, टूल्स टूल्स सही नहीं है ये। ठीक, चलो मैं कोई और साइट पकड़ता हूँ जिससे कुछ और आइडिया मिल सके। तो कुछ सैम्बल्स को पकड़ते हैं, तो कुछ सैम्बल्स से कीवर्ड है जो कि ये साइट भी रैंक कर रहा है, चाइना पोजिशन पर है। तो इसका सर्च वॉल्यूम है एक महीने का 1,35,174, 1,35,000। इसका देखते कितना दिखा रहा है, जैसे टाइप किया देखो डिफिकल्टी फर्स्ट चेंज हो रहा है, 44 हो गई है, ये बस रैंडमली चेंज हो रहा है, जावास्क्रिप्ट पर कोड किया हुआ है, कुछ नहीं हवाबाजी खाली हो रहा है। कुछ सैम्बल्स सर्च करते हैं कितना दिखा रहा है सर्च वॉल्यूम, देखो 17,000, 10,000, 30 लाख, 30,01,000, 30,01,000 सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, 30 लाख, और यहाँ पर कितना, 1,35,000। समझ रहे हो, ये जो टूल्स है कीवर्ड इंटेंट टूल, ये कचरा टूल्स है, ये एक्यूरेट नहीं है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये टूल्स जो है एक कचरा टूल्स है। ये रिपुन कैसे वीडियो बना दिया मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी भाई, कोई वीडियो बना रहा है तो पहले थोड़ा रिसर्च कर लो क्या है क्या नहीं, थोड़ा टाइम दो। ऐसे हर बारी में कुछ भी वीडियो बना के नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ऐसे ऐसे लोग वैसे क्या हो रहा है, जो और जो ब्लॉगर है वो मिसगाइड होते हैं ना फालतू का। अब देखो ऊपर में कमेंट डालो क्या किया है, बट पर पूरा प्रपोज इज ग्रेट टूल्स बला बला, मतलब लोग जो है बहुत सारा अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं, अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं कि ये है वो है ये है वो है, माइंड ब्लोइंग वीडियो सर, थैंक फॉर शेयरिंग सब टूल्स, देखो माइंड ब्लोइंग। तो ये बंदा भी जो है, मतलब होते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो इतना रिसर्च नहीं करते, बस यूज़ करना शुरू कर देते हैं, इससे क्या हो रहा है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और आप जो है मान लो कि आप ध्यान नहीं दिए, अब उस टूल्स के सहारे आप काम करना शुरू कर दिए, उसके बाद देखे कि अरे ये क्या है, तो रैंक नहीं हो रहे। यार देखो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पेड डिफिकल्टी है, ठीक है, पेड डिफिकल्टी अलग चीज़ होता है, ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी है रॉन्ग दिखा रहा है। देखो जब जब मैं चेंज करूँगा कीवर्ड, यहाँ पर जो है नंबर चेंज होता रहता है, एक स्पेलिंग में चेंज करूँगा तो नंबर चेंज हो जा रहा है, दिखा दे रहा है, देखो देखो दिखा दे रहा है कैसे चेंज हो रहा है, दिखा दे रहा है, देखो कैसे चेंज हो रहा है, ये देखो जादू 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 हो रहा है, मैजिक मैजिक, काला जादू सारा जादू। तो ये है अवस्था, बहुत सारे ब्लॉगर है जो यूट्यूब पर एक्टिव है, जो बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही नहीं है कि तुम बस आँख मुनी किसी का विश्वास कर लोगे, ठीक है। हर वाली में तो यार कोई कीवर्ड पर काम करना शुरू कर देना नहीं चाहिए, तो यार रिसर्च करना चाहिए क्या है क्या नहीं, अलग अलग टूल्स यूज़ करो, मल्टीपल टूल्स यूज़ करो, उसके बाद काम करो यार, हर वाली में काम नहीं कर रहा, वरना क्या होता है कि एल लग जाता है, हर वाली में काम करो तुम्हारा एल लग जाएगा, फिर बाद पछताओगे कि भाई मैं क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। ठीक, तो जो टूल्स है कीवर्ड इंटेंट डॉट ओ आई आई ओ, ये एक बेकार टूल्स है, मैं सर्च नहीं करता हूँ, ठीक, मैं सर्च नहीं करता हूँ। बस इसमें एक ही चीज़ खासियत है कि तुम्हें और भी कीवर्ड का सजेशन मिल रहा है, ठीक है, और भी अलग अलग कीवर्ड का सजेशन मिल जा रहा है जो तुम्हारा काम का है, और ये सजेशन जो है ऐसे भी मिल जाता है, जैसे देखोगे मैं कोर्स के अंदर दिया हुआ हूँ, कोर्स के अंदर देखोगे मैं टूल्स दिया हूँ ऐसा, जो कि सजेशन निकाल देता है। अगर आप लोग कोर्स लिए होगे तो कोर्स में मैं ऐसा टूल्स बना के दिया था जिसमें क्या है कि आप एक कोई कीवर्ड टाइप करते हो तो आपको उसका सजेशन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर होगा क्या नाम है इसका, कीवर्ड सजेशन, बिल्कुल देखो ये जो है इस तरह से अलग अलग कीवर्ड सजेशन मिल जाता है, ठीक है, कोर्स में मैं दिया था मैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है लोगों को काम करने के लिए। देखो ये भी देखो ये भी टूल्स है, आपको अलग अलग सजेशन दे देगा जो कि काम आता है, ठीक। तो इस सजेशन के लिए बस आप यूज़ कर सकते हो कि हाँ ये सजेशन दे रहा है, ये फ्री में सजेशन दे रहा है, ठीक है। तो सजेशन के लिए भी यार कीवर्ड्स एवरीवेयर है, वो भी अच्छा काम करता है, और उसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी एक्यूरेट रहता है गूगल से, ठीक है। तो ये जो टूल्स है कीवर्ड इंटेंट डॉट आई ओ, ये एक बेकार टूल्स है, ये हब के थोड़ा सा भी क्लोज नहीं है, ना ही ऊबर सजेस्ट के, ना ही कीवर्ड्स एवरीवेयर के, ठीक है। तो मैं आपको ये टूल्स जो है कीवर्ड्स कीवर्ड इंटेंट डॉट ओ आई रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। और जहाँ तक रहा ऐसे ब्लॉगर जो ऐसे वीडियो बना देते हैं, लोग जो है माइंड ब्लोइंग कॉमेंट करते रहते हैं, उस पर मत जाओ, ठीक है, ध्यान दो। कोई भी टूल्स अब यूज़ कर रहे हो तो सोशल यूज़ करना, और एक टूल्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई भी कीवर्ड है तो आप मल्टीपल टूल्स ट्राई मारो, उसके बाद काम करना शुरू कर दो। यहाँ तक कि कीवर्ड टूल्स ट्राई मारने के बाद भी आप खुद प्रैक्टिकली गूगल में जाओ, सर्च करो, फिर वेबसाइट देखो कि क्या क्या वेबसाइट है, आप उसे अच्छा बना सकते हो या नहीं बना सकते, फिर उस पर काम करो यार, ऐसे ही काम नहीं करना, ऐसे ही काम नहीं करना, वरना समय जाएगा, पैसा जाएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा।
पहले मैं बहुत मिस्टेक किया हूँ इससे पीछे, पुराता निकाले। चलो बाय, अच्छा लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो, कुछ सोचते रहना, देखो मैसेज मास्क कर लेना, और बाय।